हॉस्पिटल जयपुर से, और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे। डॉक्टर रुद्रदेव पांडे जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर में, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हम चर्चा करेंगे हार्ट फेलियर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हार्ट फेलियर से काफी सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, और इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए आज सर हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर पांडे, आप हमें ये बताएं कि हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट का पैशन इंटरवेंशन होता है, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल हार्ट फेलियर के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है, नई एडवांसमेंट भी आ गई है अपने कार्डियोलॉजी के फील्ड के क्षेत्र में। हार्ट फेलियर मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलियर मतलब है कि आपका हार्ट, यदि आप इको करवाते हैं कहीं से भी, इको एक जाँच होती है, सोनोग्राफी इमेजिंग यूज करते हैं, उसके द्वारा आपका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जानी जाती है। यदि आपका हार्ट 40% से कम काम कर रहा है, नॉर्मल आदमी का हार्ट लगभग लगभग 50 to 60% पंप करता है, यदि 40% से कम है तो आप हार्ट फेलियर के पेशेंट लेबल किए जाते हैं, और उसका एक फिक्स मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती है। जितना कम हार्ट होता है उसके हिसाब से दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो हार्ट फेलियर मतलब है कि आपका हार्ट थोड़ा कमजोर है। ओके, तो सर ये हार्ट फेलियर के लक्षण क्या होते हैं? कैसे हमें पता चलता है कि ये हार्ट फेलियर है? हार्ट फेलियर में जैसे मरीज को हार्ट, क्योंकि कम काम करेगा तो यदि आप तेज चलते हैं तो उस टाइम आपको सांस चढ़ जाएगी, या कई बार ऐसा होता है सोते टाइम यदि आप सोते हैं तो क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाते हैं तो एक्सेसिव लंग्स के अंदर एक्यूमुलेटेड हो जाता है फ्लूड, उसके कारण सोते टाइम सांस चढ़ना और बैठते टाइम ठीक हो जाना, ये एक संकेत होता है कि आपका हार्ट वीक हो सकता है। तो आप उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपको भूख कम लगती है और पैरों में सूजन आ रही है, ये भी एक लक्षण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। तो यदि ये 3-4 लक्षण जो है यदि आपको पाए जा रहे हैं तो इसके अंदर आप एक बार ईसीजी और एक अपने नियरेस्ट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन जरूर ले लें। तो आप एक हार्ट फेलियर इनडायरेक्टली, कई बार साइलेंट होता है, किसी को पता भी नहीं चलता उसका हार्ट इतना वीक है, उस कंडीशन के अंदर हम लोग कई पेशेंट देखते हैं, इको कराते हैं तो हार्ट 15% 20% काम कर रहा होता है, तो उस कंडीशन को वो लंबे टाइम तक खींचते हैं, इसके कारण से वो तकलीफ बनाते हैं। कई बार सर हम सुनते हैं शब्द हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, तो सर ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं? क्या इसमें डिफरेंस होता है? देखिए, हार्ट फेलियर जैसा कि बताया, हार्ट फेलियर का मतलब है कि 40% से कम। कार्डियक अरेस्ट है कि आपका हार्ट स्टैंड स्टिल कंडीशन के अंदर चला गया है। इसका मतलब है कि आपके जो सर्कुलेशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने हार्ट के अंदर भी होती है, जो अपनी धड़कन होती है उसके अंदर कई बार होता है कि 70-72 जो बताते हैं नॉर्मल पल्स रेट जो होती है, वो एक तरीके से हार्ट की ही पैरामीटर होती है। यदि आपका उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है तो वो कार्डियक अरेस्ट कंडीशन के अंदर आ जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग होती है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं हम लोग, तो वो भी एक तरीके से कार्डियक अरेस्ट का पार्ट होती है। कार्डियक अरेस्ट है मतलब हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपका हार्ट काम नहीं करेगा, एक कंडीशन के अंदर रुक जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है मरीज की किसी भी, ये तो होता है कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ज्यादा चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट आने के। तो ये मतलब नहीं है दोनों अलग अलग चीज है इसके अंदर, तो हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट दोनों टोटली अलग अलग चीज है, और हार्ट फेलियर ज्यादा कॉमन है कार्डियक अरेस्ट के। ओके, तो सर ये हार्ट फेलियर का क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है अभी? देखिए, हार्ट फेलियर जो है, हार्ट फेलियर जैसे मैंने बताया आपको, पहला काम है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्पेशली पेशेंट को कहा जाता है, स्पेशली आप पानी कम लीजिए जिससे कि आपके वॉल्यूम ओवरलोड नहीं हो, हार्ट का पहला काम। दूसरा है आपको नमक कम लेने के लिए कहा जाता है। एक्सेसिव यदि आप साल्ट लेते हैं किसी डाइट के अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है साथ में ऑस्मोसिस के कारण, जो आपका जो धमनियां है उसके अंदर एक्सेसिव वाटर रहेगा और हार्ट को उतना ही एक्सेसिव काम करना पड़ेगा। तो पहला प्रिकॉशन बताया जाता है नमक और पानी कम लेंगे। आप देखेंगे कंडीशन टू कंडीशन वेरिएशन आती है इसके अंदर। सर्दियों के अंदर थोड़ा सा कहते हैं कि कम लीजिए, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। कारण क्या है, अपना रेस्पिरेशन पसीना वगैरह बहुत आता है, उसके कारण आपका एक्सेसिव लॉस होता है, वो पता नहीं चलता है। तो उसके कारण मरीज को धीरे धीरे सिखाया जाता है कि आपको कितना अमाउंट में पानी लेना है। तो यदि आपका हार्ट काफी कमजोर है तो आपको 1 से 1.5 लीटर तक ही रोका जाता है। नमक भी कहा जाता है इनिशियली नॉर्मल आदमी को 6 ग्राम चाहिए जैसे नमक पर डे। लेकिन जो हार्ट फेलियर के कम जो जिसका पंप है, सपोज आपका पंप है 30% 20%, जितना कम होता चला जाएगा उतना आपको नमक की रेस्ट्रिक्शन भी अलाउ की जाएंगी। तीसरा है आपकी एक्टिविटी लिमिट की जाती है, आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं करते, मतलब आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, एक्सेसिव ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते इस पेशेंट्स को। तो ये तीन तो रहे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका
दवाइयां कई तरह की आ गई हैं, नए जमाने की भी दवाइयां आ गई हैं, तो उससे आप सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। दवाई टाइम पे लेते रहिए, और हार्ट फेलियर के पेशेंट को रेगुलर विजिट्स जरूरी होती हैं, क्योंकि तो आप एक साथ लैंड करते हैं इमरजेंसी में, कई लोग देखा होगा इमरजेंसी में आपने मशीन्स लगा रखी हैं, सांस नहीं आ रही है, तो वो उससे पहले ही साइन सिम्टम्स चालू हो जाते हैं मरीज के आने के, और वो नेगलेक्ट करता है या दवा लेता नहीं है, उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ। मोस्टली हमने देखा है जैसे ही दवाई चालू करते हैं 10-15 दिन में मरीज ठीक होता है, उसके बाद वो दवा छोड़ देता है, वो सोचते हैं मैं तो ठीक हो गया। थोड़े टाइम तो बॉडी कंपनसेट करती है, उसके बाद धीरे धीरे फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होते हैं और पेशेंट्स एमरजेंसी में लैंड करते हैं, उन पेशेंट्स को कई बार बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा दवाओं के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे डिवाइसेस बहुत सारी आ गई हैं। अल्टीमेटली यदि यंग पेशेंट है और बहुत ज्यादा कमजोर हार्ट है उस पेशेंट का, सब दवा दे दी है, तो लास्ट में ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट और दवाओं के बीच के अंदर एक डिवाइसेस भी आई है। डिवाइसेस आप देखेंगे कई तरह की डिवाइसेस आती हैं, पहले क्राइटेरिया देखे जाते हैं पेशेंट को, उसके अंदर कैसे करते हैं हम लोग, इसके अंदर जो क्राइटेरिया ईसीजी देखी जाती है पेशेंट, यदि कुछ क्राइटेरिया के अंदर पेशेंट फिट होता है तो सीआरटी मशीन होती है, बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर, स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है जिसके अंदर हम हार्ट के दोनों जो साइड के लेफ्ट और राइट हार्ट है उनको एक साथ काम कराते हैं, जिसके कारण उसका इफेक्टिव जो आउटपुट है, जो पंपिंग कैपेसिटी है, लगभग 15% तक बढ़ सकती है, यदि उस पेशेंट उसको रेस्पॉन्ड करता है। हम लोग उनको कहते हैं रेस्पॉन्डर्स। जो पेशेंट्स को ये नहीं कर सकते, उन पेशेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, उन पेशेंट्स के लिए और डिवाइसेज भी आती हैं जो आईसीडी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, यदि आपका हार्ट कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशी सिकुड़ गई है या लंबी हो गई है, जिसके कारण जो कंडक्शन सिस्टम है, जो बिजली के सर्किट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट के अंदर होते हैं, धड़काने का काम करते हैं, उसके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हमारी लैंग्वेज के अंदर, नॉर्मल आदमी की लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, और 90% मोर्टेलिटी इसी कारण, सडन कार्डियक डेथ के कारण ही होती है। उसको प्रिवेंशन के लिए आईसीडी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशंस होती हैं, फिक्स है कि इस पेशेंट्स को दवा पे रखना है, इस पेशेंट्स को डिवाइसेस करनी है, ये पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए है, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस जो हैं इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो आईसीडी सीआरटीडी कुछ डिवाइसेज हैं, यदि आप दवाओं के बावजूद प्रॉब्लम में हैं तो आप ये डिवाइसेज दवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप हार्ट फेलियर के पेशेंट कैसे बचें, इंपॉर्टेंट वो है। सपोज दो तरह के होते हैं हार्ट फेलियर, देखिए एक होता है कि हार्ट की जो मांसपेशी है उनको सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उसको कारण हार्ट अटैक आता है पेशेंट को, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। यदि वो पेशेंट टाइमली पहुंच जाए हमारे पास, किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे जाना चाहिए जब भी चेस्ट पेन हो, और वो आर्टरी हम लोग ओपन कर दें, प्राइमरी पीटीसी बोलते हैं, दैट इज नोन एज इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी, यदि वो खोल दी जाए तो मांसपेशी बच जाती है। अमूमन माना जाता है कि 12 घंटे के आसपास में काफी हद तक साल्वेज है, गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट होता है हमारे अंदर। यदि पेशेंट 1 घंटे के अंदर किसी भी सेंटर में पहुंच जाए और इंजेक्शन के द्वारा, यदि कैथ लैब वगैरह अवेलेबल नहीं है आसपास, तो इंजेक्शन के द्वारा या फिर एमरजेंसी उस कैथ लैब में लेके उस नस को खोल दिया जाए, तो 100% साल्वेजेबल कंडीशन होती है उसकी मायोकार्डिया। मायोकार्डिया मतलब हार्ट की मांसपेशियों की, तो पूरी तरह से हार्ट उसका बच जाता है पेशेंट का। 12 घंटे तक भी हम लोग मानते हैं कि बच जाता है, 24 घंटे बाद इश्यूज हैं कि बचेगा नहीं बचेगा, ये सस्पिशन है। सिंपल अपने लैंग्वेज में सोचे हैं तो सपोज एक कुआ है और एक फसल है, कुएं से पानी बंद हो गया तो फसल गिरने लग जाती है, जितना जल्दी हम उसको पानी की सप्लाई देंगे उतनी फसल बच जाएगी। सेम कंडीशन अपनी मांसपेशियों की है, उनको भी ब्लड चाहिए होता है, और वो बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा पेशेंट को, और वो जितना डिले करेंगे और मांसपेशी खत्म हो जाएगी। मांसपेशियां हार्ट की एक बार खत्म हो जाए तो, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी इनिशियल ट्राई किया गया था लेकिन वो फेलियर रहा। तो इम्पोर्टेंट क्या रहा कि आपका टाइम हार्ट फेलियर के अंदर, यदि आपकी अटैक आया है तो तुरंत से तुरंत मान आसपास के हॉस्पिटल के अंदर जाएं, डॉक्टर सलाह दे तो जरूर एंजियोप्लास्टी करवाएं यदि है इमरजेंसी कंडीशन तो, क्योंकि एक बार हार्ट कमजोर हो गया, हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं 20-20 साल 22-22 साल के, 10-15% हार्ट लेके चलते हैं पंपिंग, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बड़ी पुअर रहती है ऐसे पेशेंट की। तो ये तो रहा अपने इश्चिमिक हार्ट डिजीज जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब हार्ट अटैक आया। दूसरा होता है कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, मांसपेशियां खुद कमजोर होती हैं, एंजियोग्राफी नॉर्मल मिलती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। इस पेशेंट्स को, ये पेशेंट्स वो भी होते हैं जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, यदि आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो
तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है। उन पेशेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट है, क्योंकि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, उसके अंदर सिर्फ डिवाइसेस और दवाई ही एक ऑप्शन है, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो ये दो तीन तरह के हार्ट फेलियर पेशेंट्स डेवलपमेंट के कारण है। यदि इंडिविजुअल आप है, कोई रिस्क है आप में से किसी को या आपके रिलेटिव्स को, तो खुद का इलाज नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छे डॉक्टर जो भी आसपास में हो, आपको फेथ है और अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, आप उनको दिखाएं, वो जरूर अच्छी दवाइयां प्रेस्क्राइब करेंगे, जिसके कारण आप अपनी लाइफस्टाइल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हार्ट फेलियर ये नहीं है कि अब दुनिया खत्म हो गई, हम तो मरेंगे। आप यदि रेगुलर फॉलोअप रखते हैं और रिकरेंट एडमिशन हॉस्पिटल के अंदर कम होते हैं आपके, जितने कम एडमिशन होंगे हॉस्पिटल में, मान के चलिए आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्ट फेलियर पेशेंट्स की उतनी ज्यादा होगी, और नियरली नॉर्मल भी हो सकते हैं ऐसे पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यदि वो रेगुलर फॉलोअप दिखाता है। दो तीन टेस्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस क्वाइट कॉमन होते हैं इस पेशेंट्स में, तो दो तीन टेस्ट करवाते रहते हैं रेगुलरली, उससे आइडिया लगता रहता है हम लोगों को कि पेशेंट को दवाइयाँ किस हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है, और वो अच्छी अपनी लाइफस्टाइल जैसी बताई जाए, डाइट्री और फिजिकल एक्टिविटी यदि नॉर्मल रखे तो मान के चलिए इक्वल यदि लाइफ जी सकता है नॉर्मल आदमी के अलावा। तो हार्ट फेलियर ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाए, प्रॉब्लम है, आप आराम से चलते रहिए। जैसे डायबिटिक पेशेंट, आप डायबिटीज की दवा नहीं लेंगे तो मान के चलिए आप एडमिट होंगे ही होंगे, अनकंट्रोल रहती है डायबिटिक हाइपरटेंशन, साइलेंट किलर्स होते हैं जैसे, ऐसा ही हार्ट फेलियर का कंडीशन है। यदि आप रेगुलर दवाई लेते रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम रहेगी और आप आराम से अपनी हैप्पी लाइफ फैमिली के अंदर आराम से जी सकते हैं। ओके, तो सर जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि वी आर पासिंग फ्रॉम ए फेज ऑफ कोविड-19, सो इस स्पेशली ये कोविड में हार्ट फेलियर के जो रोगी होते हैं, इनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आप सब जानते हैं कोविड है, पैंडेमिक हो गया है, और एक्सपेक्टेड ये है कि एक दो महीने और केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन हट रहे हैं, एक नेचुरल कर्व है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा रिस्क पे हैं हार्ट फेलियर या कार्डियक का, कोई भी पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो या हार्ट अटैक स्टेंटिंग या बाईपास वाला पेशेंट हो, वाल्व खराब हो। इम्पोर्टेंट थिंग ये है, उस पेशेंट को यदि प्रॉब्लम आती है हार्ट फेलियर को और कोविड हो जाता है, उसको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी मृत्यु दर ज्यादा पाई गई है, 20% ज्यादा है आम आदमी से। और किस पेशेंट्स में ज्यादा है? डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा है, हाइपरटेंसिव है, एल्डरली, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी मान के चलते हैं कम है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये है, बेटर रहेगा कि आप प्रिवेंशन रखें, मास्क लगा के रखें, जहां भी क्राउडिंग एरिया के अंदर जाएं, और अपनी दवा नहीं छोड़ें, डॉक्टर का विजिट नहीं छोड़ें। यदि आप अब तो मास्क लगा के आराम से अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स ने फिक्स प्रोटोकॉल्स बनाए हैं खुद के और पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए, तो विजिट नहीं छोड़ें, दवा टाइम पे लेते रहें। तकलीफ है तो कम से कम ऑनलाइन कंसल्टेशन एक जरूर ले लें कि मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जिससे आपका एडमिशन कम हो सके। देखिए, आप कोरोना के कारण कोई भी हार्ट फेलियर पेशेंट यदि एडमिट होता है तो उसकी मोर्टिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले ही आपका हार्ट वीक है, उसके ऊपर वो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट मानते हैं हम कोरोना को, इसके कारण क्या है, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो हार्ट को डबल या ट्रिपल लोड से काम करना पड़ेगा, उसके कारण वो फेलियर के चांसेस रहेंगे। फेलियर यदि है तो क्या होगा, लंग्स में पानी रहेगा, बैठ रहेगा, क्योंकि लंग्स अपने सर्कुलेशन के बीच में आती है, राइट साइड हार्ट लंग्स में ब्लड देता है और उससे लेफ्ट में आता है बॉडी के लिए, तो उसके अंदर एक्सेसिव कंजेशन रहेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्वाइट कॉमन रहेगा उसके अंदर, तो बोथ इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, एक तो वायरल है ही पहले, ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसकी वजह से प्रिवेंशन बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट्स का। एक चीज और बताऊंगा, HCQS बड़ा आप सबको जानते हो जैसा है, HCQS टैबलेट लेने से नहीं होता, ऐसा आज तक कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो ECG जरूर करवाएं, स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट्स और एल्डरली पेशेंट्स। यदि QT एक ECG पैरामीटर्स देखा जाता है, यदि वो ज्यादा है और आप यदि HCQS ले रहे हैं तो आप सडन कार्डियक डेथ हो सकती है ऐसे पेशेंट के, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है उस पेशेंट के, तो HCQS सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए। तो हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए क्या एडवाइस है कोविड के अंदर, पहला प्रिवेंशन रखें, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट नहीं करें, आप जाएं जहां भी मास्क पहन के जाएं, मास्क नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, नॉर्मल जो मास्क है ट्रिपल लेयर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, 90% के करीब करीब जो है वो प्रिवेंशन कर देता है। फिर भी आप ज्यादा प्रिकॉशंस रखना चाहते हैं, बहुत क्राउडिंग एरिया में जा रहे हैं किसी भी कारण, तो यू कैन यूज बट नॉट एडवाइज टू यूज N95 मास्क आल्सो। तो जितना एक प्रिवेंशन है, दूसरा है दवा टाइम पे रहें, तीसरा डॉक्टर का फॉलोअप रखें। आपको हल्का सा भी सस्पिशन है कि हो सकता है बुखार खांसी है तो एक बार कंसल्ट जरूर करें, अर्ली यदि आप पहुंचते हैं तो ऐसे उतना ही आपकी चांसेस रहते हैं अच्छा लाइफस्टाइल और सर्वाइवल के हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर।
धन्यवाद सर, मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये चर्चा हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो हमने ये चर्चा की है ये हमारे फेसबुक पेज पे उपलब्ध है, आप जब भी चाहें इसे देख सकते हैं और इस चर्चा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।